मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार टीम की तैयार। अब मुंबई इंडियंस फिर करेगी पलटवार। पांच पांच खिलाड़ियों को किया रिटेन। अब आठ आठ दमदार खिलाड़ियों की होगी एंट्री। अगले आईपीएल में मुंबई इंडियंस की जीत पक्की। मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन से पहले अपने पांच पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा शामिल हैं। मुंबई इंडियंस की रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है, तो वहीं सूर्य कुमार यादव को 16.35 करोड़ में, तो वहीं उसके बाद हार्दिक पांड्या को 16.35 करोड़ में रिटेन किया गया है। वहीं उसके बाद रोहित शर्मा को भी 16.30 करोड़ में रिटेन किया गया है और उसके बाद तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया गया है। इस तरह से मुंबई इंडियंस ने अपने 5 खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट जारी की है। मुंबई ने अपने 5 खिलाड़ियों को तो रिटेन कर लिया है, लेकिन मुंबई को आईपीएल 2025 के लिए एक धमाकेदार टीम तैयार करनी है। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम ने अगले 3 साल के लिए एक धांसू प्लान तैयार किया है। फिर से आईपीएल चैंपियन बनने के लिए मुंबई इंडियंस ने 8-8 दमदार खिलाड़ियों पर दाव लगाया है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो 4 साल बाद मुंबई इंडियंस को एक बार फिर से आईपीएल चैंपियन बना सकते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने किन किन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुंबई इंडियंस के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है अगले सीजन में कौन बनेगा मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या है मुंबई इंडियंस की जरूरत? मुंबई इंडियंस ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जिसमें रोहित शर्मा ओपनर हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस को एक दमदार ओपनर की जरूरत रहने वाली है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के लिए तो मुंबई इंडियंस के पास एक से बढ़कर एक तूफानी खिलाड़ी हैं, लेकिन अब मुंबई इंडियंस को ऑलराउंडर चाहिए जो एक फिनिशर का किरदार भी निभा सके। इसके अलावा मुंबई इंडियंस को 2 बढ़िया स्पिनर और एक जबरदस्त गेंदबाज भी चाहिए। ऐसे में मुंबई इंडियंस को सभी डिपार्टमेंट के लिए खिलाड़ी चाहिए होंगे और इनके पर्स में बचे हैं अब 45 करोड़ रुपए। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम ने जिन खिलाड़ियों पर दाव लगाने का मन बनाया है, अब उन खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों पर मुंबई इंडियंस लगाएगी दाव। नंबर एक पर है रोहित शर्मा, जो कि पहले से ही मुंबई इंडियंस की टीम में है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को रिटेन कर लिया है। वहीं उसके बाद फिल सॉल्ट है, जो कि पिछले सीजन में केकेआर के लिए ताबड़तोड़ पारियां खेली थी और केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया था। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम फिल सॉल्ट पर दाव लगा सकती है। वहीं उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी पहले से ही टीम में है, तिलक वर्मा भी और हार्दिक पांड्या भी, जो कि 2000 आईपीएल 24 में कप्तानी कर चुके हैं। वहीं उसके बाद रोमन पॉवेल पर मुंबई इंडियंस की टीम दाव लगाने वाली है। पॉवेल तूफानी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, ये टीम डेविड की जगह ले सकते हैं। वहीं उसके बाद शार्दुल ठाकुर, ठाकुर वानखेड़े की पिच पर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी पिच का रुख मोड़ सकते हैं। वहीं उसके बाद मयंक मार्कंडे, जो कि पिछले सीजन हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले इस स्पिनर पर मुंबई इंडियंस की नज़र रहने वाली है, इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ना चाहती है। साई किशोर, आर साई किशोर भी एक जबरदस्त स्पिनर हैं और इन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए दमदार प्रदर्शन भी किया है। मुंबई इंडियंस की टीम इन्हें भी अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। जसप्रीत बुमराह तो पहले से ही टीम में मौजूद है। वहीं उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर से मुंबई इंडियंस में वापसी हो सकती है, क्योंकि बुमराह के साथ बोल्ट की जोड़ी सभी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को टीम के साथ जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हो सकती है मुंबई इंडियंस की टीम। ऐसे में आपको क्या लगता है कौन होगा मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान, रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव या फिर हार्दिक पांड्या? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।